आज हम बनाने जा रहे हैं कॉर्न के पराठे। इसके लिए एक कटोरा कॉर्न लिए हैं। कॉर्न को हम उबाल लेंगे। कॉर्न को उबालने के लिए एक पैन लिए हैं, इसमें पानी लिए हैं। अब इसमें हम कॉर्न को डाल देंगे उबालने के लिए। कॉर्न को 5 मिनट तक उबाल लेंगे। कॉर्न उबलता है तब तक हम इधर का तैयारी कर लेंगे। इसमें हम एक कटोरा गेहूं का आटा लिए हैं। दो चम्मच मैदा लिए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा अजवाइन लिए हैं, इसको क्रश करके डाल देंगे। इसमें स्वाद के अनुसार नमक लेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ती लेंगे। सबको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जिस तरह से आटा लगाते हैं उस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर रोटी का आटा गूंदते हैं, उस तरह से गूंद लेंगे। हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल लगाकर इसको रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। हमारा कॉर्न 5-6 मिनट हो गया है। ये हमारा कॉर्न अभी पक गया है। अब हम इसको बंद कर देंगे और इसका पानी निकाल कर इसको ठंडा कर लेंगे। इस तरह से इसको निकाल लिए हैं। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। हमारा कॉर्न अभी ठंडा हो गया है। अब हम इसमें एक मिक्सी जार में इसको डालकर पीस लेंगे। इसमें डाल दिए हैं, इसमें बिना पानी डाले हुए इसको पीस लेंगे। इसको इस तरह से पीस लिए हैं। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अच्छे से इसको पूरा निकाल लेंगे।
इसमें इसको निकाल लिए हैं। अब हम इसमें एक मीडियम साइज का प्याज लिए हैं बारीक काट कर। इसमें एक चम्मच लहसुन का पेस्ट लिए हैं, एक चम्मच अदरक का पेस्ट लिए हैं। बारीक कटा हुआ हरा मिर्च 3 लिए हैं। धनिया पाउडर, चिल्ली फ्लेक्स लिए हैं थोड़ा सा। एक चम्मच आमचूर पाउडर लिए हैं। स्वाद के अनुसार नमक लेंगे। आटे में भी नमक पड़ा है इसलिए इसमें ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चौथाई चम्मच इसमें गरम मसाला डाल देंगे। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम धनिया पत्ती भी डालेंगे। धनिया पत्ती डालना भूल गए थे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम आटे को देखते हैं। आटा को 10 मिनट हो गया है। अब हम आटा भी हमारा सेट हो गया है। इसको थोड़ा सा मसल लेंगे। अब इससे पराठे बनाएंगे। पराठे बनाने के लिए तवा को गैस पर रख देंगे गर्म होने के लिए। अब हम इसका छोटा छोटा लोई बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से लोई को आटे लगाकर बेल लेंगे। रोटी की तरह इसको बेल लेंगे जिस प्रकार से रोटी बेलते हैं। इसमें और आटा लगाकर इसको पतला बेल लेंगे। इस तरह से इतना पतला बेल लेंगे। अब हम इसमें इसको डालकर इस तरह से डाल देंगे इसको। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसके चारों तरफ इसमें पानी लगा देंगे।
और इसको इस तरह से मोड़ देंगे और इसको भी इस तरह से मोड़ देंगे और इसको इस तरह से मोड़ देंगे। ये इस तरह से हमारा पराठा तैयार हो गया है। अब हम पराठे को तवे पर इस तरह से बना लेंगे, इसको पकने देंगे। तब तक हम दूसरा बेल लेंगे। थोड़ा पराठा पक जाए तो इसको पलट लेंगे इस तरह से। दूसरा पराठा भी इस तरह से बेल कर इसको तैयार कर लेंगे। इसको इस तरह से मोड़ देंगे। इस तरह से ऐसे मोड़ देंगे। अभी हम इस पराठे में तेल लगा देंगे इस तरह से। और इसको पलट देंगे। देखिए कितना सुंदर पराठा, कितना कलर अच्छा आया है इसका। इस तरह से इसको घुमा घुमा कर अच्छे से सेक लेंगे। ये पराठा हमारा सिक गया है। अब हम इसको निकाल देंगे और दूसरे पराठे को डाल देंगे और इसको भी उसी तरह से पका लेंगे। इसमें कद्दूकस कर चीज भी डाल सकते हैं इस तरह से। चीज डालने से और टेस्टी हो जाएगा। इस तरह से इसमें चीज भी डाल सकते हैं और फिर इसको इस तरह से मोड़ कर बना लेंगे। हमारे सारे पराठे अब तैयार हो गए हैं। देखिए हमारे सारे पराठे तैयार हो चुके हैं। कितने क्रिस्पी और कितने टेस्टी लग रहे हैं। देखिए इसका कलर भी कितना सुंदर है।
इसी भी चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। ये हमारा आम का चटनी है।